हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी। आज मैं आपके लिए गुजरात की फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे दाल बड़ा। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे दालों की पकौड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं, लेकिन ये गुजरात की फेमस स्ट्रीट फूड है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन इसके साथ कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके भी दाल बड़े वैसे ही सॉफ्ट बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूले और शेयर भी कर दे दूसरों को। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं स्ट्रीट स्टाइल दाल बड़े के। इसके साथ मैंने मिर्ची डाला है और प्याज। इसके लिए हमने यहाँ पर दालें ली हैं, तो यहाँ पर एक कटोरी हमने मूंग की दाल लिया है और साथ में यहाँ पर चावल लिया है। तो आप देख सकते हैं सभी रॉ मटेरियल है, कच्चा है। तो इसी चम्मच के नाप से हमने यहाँ पे 2 चम्मच चावल लिया है और साथ में 2 चम्मच यहाँ पे उड़द की दाल ली है और 1 कटोरी यहाँ पे हमने मूंग की दाल ली है। तो बस यही रेशियो आपको रखना है। चावल से क्या होगा कि पकौड़े में कुरकुरापन आएगा और उड़द दाल से थोड़ी से फ्लफी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए, इन सभी को अच्छे से हमने धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया 4-5 पानी से और इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से दालें फूल चुकी हैं, इनका हम पानी निकाल लेते हैं और एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में सभी दालों को हम डाल लेते हैं। ध्यान रखें कि पानी का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए, सारे पानी को निथार लें, उसके बाद ही हम सभी दालों को डालेंगे। बिना पानी डाले हुए इसे हमें ग्राइंड करना। ग्राइंड करने से पहले इसमें हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे डाल देते हैं और साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां ले लेने हैं और अपने तीखे अनुसार इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तो इसमें मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 से ज़्यादा हरी मिर्च डालें अगर तीखा का पसंद करते हैं। ये बहुत ही तीखी, इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ। इसे डाल लेते हैं। अगर जो अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी दाल बड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। पल्स में ग्राइंड करेंगे दोस्तों, दरदरा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे। तो ये देखिए, हमने दालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पल्स में किया है, यानी रुक रुक कर किया है। तो इसे क्या होंगे ना कि दरदरे हमारे होंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे जब बनेंगे पकौड़े। तो अब यहाँ पे इसे हम फ्लफी बनाने के लिए कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे या इसे फर्मेंट होने के लिए नहीं रखेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें फेंटना है। तो यहाँ पे मेरे पास बलून विस्क है, इससे मैं फेंट रही हूँ, नहीं तो आप चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। लेकिन बलून विस्क से अगर फेंटेंगे ना तो 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से फिर जाते हैं। दाल का कलर उस समय पीला था और अब दाल का कलर यहाँ देख सकते हैं कितना लाइट कलर हो गया है। जब ये फिट जाते हैं अच्छी तरह से तो बहुत ही लाइट कलर का हो गया है, इसमें एयर भर गया है। एयर भर जाने से हमारे जो बड़े हैं ना फूले फूले बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए, और एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि आपके जो दालें फिटे हैं वो अच्छी तरह से फिट है कि नहीं, इसमें एयर भरा है कि नहीं। तो इसे थोड़ा सा पानी हमने ले लिया है बॉल में और इसे डालकर देख रहे हैं, तो देखिए ये पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका इंडिकेशन है कि आपने जो दालें फेंटी हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरह से फेंटी हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने स्लाइस किया हुआ एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, उसे डाल देते हैं। प्याज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसका सारा स्टार्च निकालना होगा। पानी से अच्छे से आलू को धो दें तब इसमें डालें सारा पानी निकालने के बाद। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर धनिया का पाउडर ले लेते हैं। आपके पास अगर गोटा धनिया है तो उसे क्रश करके ले लें। साथ में 1/2 चम्मच यहाँ पे हम डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च और साथ में यहाँ पर डाल देते हैं 1/2 चम्मच अजवाइन। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का। और साथ में चुटकी भर यहाँ पर डाल देते हैं हींग। हींग सुपाचे का काम करता है, जो दालें हम खा रहे हैं उसे बचाएगा। साथ में यहाँ पर 1/2 चम्मच हमने डाला है नमक और भर कर धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। तो 1/2 कप के धनिया की पत्ती आप डालें, अच्छे से डालें। इन्हीं का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल भरों में, धनिया का ही तो आता है, इसलिए धनिया में कंजूसी ना करें, अच्छे से धनिया की पत्ती इसमें डालें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब भी आप गुजरात जाओगे ना दोस्तों, तो वहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड में ये लोकप्रिय है दाल बड़ा, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके साथ हरी चटनी दी जाती है, खट्टी मीठी चटनी दी जाती है।
साथ में हरी मिर्च दी जाती है, इतने टेस्टी लगते हैं ना कि एक हैबिट हो जाता है लोगों को, वो खाते ही खाते हैं वो दाल बड़े बहुत ही अच्छे। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सेम लगेगा टेस्ट। तो देखिए इसे मिक्स कर देने के बाद हाथों में ले, इस तरह से गोल का शेप आप दे दें। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे गोल का शेप बना। अगर गीला हो जाए तो थोड़ा सा उसमें चावल का आटा मिला लें तो सारे पानी को सोख लेगा। अब यहाँ पे तेल हमने गर्म कर लिया है, तेल गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। अगर आप लो कर देंगे तो सारे पकौड़े जो होते हैं ना वो तेल पी लेंगे लो फ्लेम पे, अगर मीडियम रखेंगे तो अच्छे से अंदर तक फ्राई होंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं इसे गोल का शेप दे रही हूँ और डालते जा रही हूँ। तो इसी तरह से डाल दें और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। एक खास ट्रिक और आपको मैं बताती हूँ, जब भी आप पकौड़े इस तरह से डालें ना तो चम्मच से इस तरह से इसके ऊपर से गर्म गर्म ऑयल डाल दें। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप पलटोगे ना तो उसका जो ऊपर का बैटर लगा रहता है वो कढ़ाई में इधर उधर चिपकेगा नहीं और आसानी से पलट भी जाएंगे और ज़्यादा कुरकुरे आपके पकौड़े बनेंगे। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो ये देखिए पलटने के बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे लो, मीडियम फ्लेम पे उतने देर से हमने बनाया, अब लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने तक यानी कुरकुरे होने तक इसे हम फ्राई करें, बिल्कुल क्रिस्पी और लाल होने तक इसे हमने फ्राई कर दिया है पलटने तक। लो फ्लेम पे अंदर तक पकेंगे क्योंकि हमने बड़े साइज़ का बनाया है ना, बड़ा गोल साइज़ का, तो इसे अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई करें। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो इसी तरह से हमने लो फ्लेम पे इन पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया। देखा ना, देखते ही मुंह में पानी आ गया, गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में गर्मा गर्म चाय, तो क्या कहना दोस्तों। और अगर घर में गेस्ट आए हैं तो तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। साथ में हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, थोड़े से स्लिट कर लिया यानी कट कर लिया, नहीं तो तेल में पड़ेंगे तो उड़ सकते हैं। तो इसी गर्म तेल में इसे हमने फ्राई कर लिया है इन हरी मिर्चियों को। इस पर नमक छिड़ दें या चाट मसाला और इस तरह से पकौड़ों को हम सर्व करेंगे। साथ में लच्छा प्याज और टोमेटो केचप और हरी मिर्च के साथ मैंने यहाँ पे सर्व किया, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।